क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कि एक इसका रियल पार्ट और एक इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब अगर आप देखें 4 + 5 आयोटा डिवीजन की फॉर्म है, डिवीजन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका हमारे पास सिंपल क्या, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 5 आयोटा, और इसी तरह ये भी 4 + 5 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ए प्लस बी है, तो अगर आप देखें तो ये भी एग्जैक्टली वही है, ए प्लस बी। अब अगर आप 7th 8th के फॉर्मूलों को रिकॉल करें जो आपने पढ़े थे, तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी जो है वो होल ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab + b² ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के तहत हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ए स्क्वेयर क्या है, 4 का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले में आ, 4 का स्क्वेयर सॉरी, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले के अंदर है, ए कितना है 4, बी कितना है 5 आयोटा, और इसी तरह जो है वो बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये नीचे वाला फॉर्मूले को भी रिकॉल करें तो आपको ये भी याद आ जाएगा, a - b और a + b। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा a - b इंटू a + b जो है वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जी के 4 का स्क्वेयर, ठीक है, -5 आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वेयर 16 + 4 2 times 8 और 8 5 times 40 आयोटा। ठीक है, और इसी तरह +25 आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वेयर 16 -25 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वेयर जो है इसकी वैल्यू -1 है, नेक्स्ट स्टेप में जो हम इसको रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वेयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 16 + 40 आयोटा + 25 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू रिप्लेस करूंगा, 16 - 25 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया, ये आ जाएगा जी 16। अब अगर आप देखें तो 16 + 25 इंटू -25 + 40 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 - इंटू -+25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको हम नंबर्स रह गए, अभी नंबर्स को सिंपली हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 16 - 25 किसके इक्वल होगा, -9 के। ठीक है, -9 डिवाइडेड बाय 16 + 40 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 + 25 41। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको सिंपली सिंपल कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 / 41, ठीक है, और +40 / 41। ठीक है, तो आपने देखा 41 आयोटा। अब अगर आप देखें इसमें जो है -9 / 41 जो है वो ए है, जिसको हम बोलते हैं कि रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 अवर Z2, ठीक है, इसका रियल पार्ट है। ठीक है, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z1 अवर Z2 किसके इक्वल है, वो है जी 41 था ये, ठीक है, 41 के इक्वल। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखा कि हमने किस तरह से इस नंबर को जो है वो इस फॉर्म में ए प्लस, यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ तो हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म के इक्वल।